ऐसा लग रहा है जैसे एक त्योहार बन चुका है, उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री जी की एक झलक के लिए भी वे यहाँ पर घंटों तक खड़े रहकर भी उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं वैसे तो गुजरात से हैं, लेकिन मेरा अपब्रिंगिंग बॉम्बे में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं ऑस्ट्रिया, और कैसे स्वागत करेंगे, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सालों के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। बिल्कुल, मानो 40 साल के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर इस देश में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक त्योहार बन चुका है, उत्सव का माहौल है। केवल वियना से ही नहीं, लेकिन पूरे ऑस्ट्रिया से, लिंस, ग्रास, जहां से नाम लो, जहां कहीं भी भारतीय हो, वे सब यहां पर आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी की एक झलक के लिए भी वे यहां पर घंटों तक खड़े रहकर भी उनका इंतजार कर रहे हैं। लोग सज धज कर, भारतीय परिधान पहनकर यहां पर आए हुए हैं, और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं। क्या मैसेज अगर देना चाहेंगे प्रधानमंत्री को, आम को, एक मैसेज होगा आपकी तरफ से, क्या देना चाहेंगे? सारे भारतवासी, दुनिया में कहीं भी रहते हो, उनका दिल भारत में ही है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा भारत के साथ जो कनेक्शन है वो और भी स्ट्रांग यहाँ पर बन रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का हम बहुत 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 आभार मानना चाहते हैं। जब से हमें ये खबर मिली है, खुशखबर कि मोदी जी, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ आ रहे हैं, फर्स्टली तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी फॉर हिज थर्ड टर्म। एंड यहाँ पे जितना भी वियना में, जो इंडिया, ऑस्ट्रिया एंड वियना सब मिला के जितना भी इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे है, हम उन सब की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम बहुत आस लगा के बैठे हैं कि बस उनकी एक झलक ही मिल जाए, हमारे लिए वो बहुत है। एंड जो एनर्जी है, जो एनर्जी वो उनके साथ लेके आते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इट्स मोदी मैजिक, एंड दैट मोदी मैजिक रन्स अक्रॉस द ग्लोब। सो मोदी जी है तो मुमकिन है। ये सौभाग्य है हमारा कि आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रिया आ रहे हैं, मेरी मातृभूमि की सुहानी यादें संग ला रहे हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान, साहस, प्रेम, भाईचारा, सुख, शांति, विकास, ये भारत की पहचान। ये हम उस धरती के रहने वाले हैं जिसने हर जनमानस, हर देश को दिया पूर्ण सम्मान। आदरणीय मोदी जी के प्रयासों द्वारा भारत से आयुर्वेद और योग दर्शन का ज्ञान पहुंचा पूरी दुनिया में। इससे बढ़ रहा है भारत का सम्मान। जय हिंद, जय भारत।